ओम शांति। 19 अप्रैल 2024 की प्रातः साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। पुरानी दुनिया में है हाहाकार, नई दुनिया में है जय जयकार। प्रश्न, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीबी बाप का पूरा वर्षा लेते साहूकार नहीं ले पाते? उत्तर, ईश्वरीय नियम है पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। इसलिए जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वह सच्चे योगी बन ही नहीं सकते, उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है, अंदर कोई खिटपिट ना हो। दूसरा पॉइंट, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाई पैसे से बुद्धि निकाल पूरा बेगर बनना है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। वरदान, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भव। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं, डरते हैं कि कहीं फंस ना जाएं। इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं, 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी पवित्र आत्मा। स्लोगन, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। ओम शांति।